लास्ट क्लास के ना हमने सारी चीजें इस बारे में पढ़ी थी कि आखिरी क्वेश्चन ये था जिसमें मल्टीपल इफ यूज किए गए थे और उसका फ्लो चार्ट बनाया गया था। आज हम लेके चल रहे हैं, असम तुम लास्ट क्लास में गए थे, ड्रॉ फ्लो चार्ट विच इनपुट एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स कैलकुलेट एंड आउटपुट द एवरेज एज ऑफ द क्लास। ये अब देखो यहाँ पे अगर इसका सूडो कोड लिखा जाए तो आप सूडो कोड कैसे लिखोगे? आपने सीधा सीधा लिखना था फॉर एक्स 1 to 50 इनपुट, प्रॉम्प्ट में नहीं लिख रहा, साथ साथ लिख लेना, सम को इनिशियलाइज कर दिया था विद 0। आपने कहा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 8। देन आपने नेक्स्ट लिखा, आफ्टर नेक्स्ट आपने क्या करना है? एवरेज कैलकुलेट करनी थी तो आपने कहा एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 50 एंड आउटपुट एवरेज। इसी का अगर फ्लो चार्ट बनाया जाए, याद रहे इनिशियली क्लास में मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट के अंदर हम डिसीजन बॉक्स कब बनाते हैं? जब इफ एल्स इफ अंटिल नेक्स्ट या व्हाइल लिखा हो तो डिसीजन बॉक्स आता है। हम फॉर रिपीट एंड इफ और एंड व्हाइल की लाइंस को इग्नोर कर देते हैं। तो सेम यहां पर आपने सबसे पहले स्टार्ट लिया, स्टार्ट करने के बाद आपने सबसे पहले सम को 0 कर दिया। आज की क्लास का ये है कि फ्लो चार्ट में आप लूप को कैसे यूज कर सकते। आपने सम को 0 कर दिया, ये आपका इनिशियलाइज या प्रोसेस का बॉक्स है। आफ्टर दिस फॉर आ रहा है, इग्नोर मार दो फॉर। आप फॉर की जगह क्या बना दोगे? नेक्स्ट लाइन पे चले जाओगे, विच मीन्स आपने इस लाइन को इग्नोर मारा। अब इनपुट पे आ गए, आपने कहा इनपुट एज। और आपने एज इनपुट ले ली। आफ्टर दिस वी नीड टू सम इज इक्वल टू सम प्लस एज। मैंने लिखा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एज। जैसे ही आप नेक्स्ट पे आते हो, नेक्स्ट क्या करता है? वापस फॉर पे ले जाता है, बट इसी के साथ नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू में +1 होता है। ये ऑटोमेटिकली होता था, यहाँ पे हमें मैन्युअली करवाना पड़ेगा, विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस। अब ये कब तक नेक्स्ट पे, आप नेक्स्ट से फोर पे कब तक जाते थे? जब तक एक्स की वैल्यू 1 से 50 ना हो जाए, मतलब एक्स की वैल्यू 50 ना हो जाए। तो अब आपने लिखा इज एक्स इज इक्वल टू 50। अगर एक्स 50 नहीं हुआ है, नो, तो वापस क्या करोगे? अगर नो है तो ऊपर आ जाओ, और अगर यस हो चुका है तो प्रोग्राम को क्या करो? नीचे ले जाओ। एक्स 50 अगर हो जाता है तो हम यहां पे आ जाते थे, एवरेज इक्वल सम डिवाइड बाय 50। आपने कहा आउटपुट एवरेज। और प्रोग्राम है,
क्या इसमें कोई इश्यू लूप समझ आया? जी सर। नहीं सर, कोई इशू नहीं है, समझ आ गया। अच्छा सीधा सीधा प्रोग्राम है, लूप लगाने का तरीका ये है। सही नाउ, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, काइंडली उसको बना के देखा। योर क्वेश्चन इज ड्रॉ फ्लो चार्ट विच इनपुट इंटीजर्स फाइंड आउट एंड आउटपुट हाउ मैनी इंटीजर्स वर पॉजिटिव। The program will be terminated if 0 is entered। बेटा पहले इसका सूडो कोड लिखना, सूडो कोड लेके मुझसे चेक करो और फिर इसके बाद इसको फर्दर लेके कंप्लीट करो। देखो यहाँ पे आपके पास कितने नंबर्स इनपुट करने हैं हमें नहीं पता, क्योंकि इसने कहा है कि जब तक 0 नहीं आ जाता हमें नंबर्स इनपुट करते रहना है। इस तरह के हमने सूडो कोड पहले भी बहुत लिखे, लेकिन आज हमें इसका फ्लो चार्ट बनाना था। मैंने सबसे पहले क्या किया, पॉजिटिव को 0 कर दिया और रिपीट ले लिया। ठीक है, रिपीट में मैंने सीधा सीधा लिखा इनपुट नंबर, अब आगे लगा दिया इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन पॉजिटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लस 1। नेगेटिव नंबर्स का कुछ करना नहीं है, कब तक चलाना है, अंटिल जो हम नंबर इनपुट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। और आपने आउटपुट कर दिया आउटपुट फॉल्स। सेम इसी का फ्लो चार्ट बना। अच्छा इसको वाइल से भी किया जा सकता था, तो मैं पहले इसको ये इसका फ्लो चार्ट बनाता हूँ, उसके बाद उसको वाइल से भी लिख के वाइल का फ्लो चार्ट भी हम बना। बेटा फ्लो चार्ट डन। सॉरी सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप क्या बोल रहे हैं? एम सेइंग बेटा फ्लो चार्ट बना लियो। नहीं सर, वो बना रही हूँ। चलो बना लो, वेट। व्हाट अबाउट अनीश जी सर, फ्लो चार्ट एंड जी बना लियो। सर। सर वाइल के साथ तो दिखा दे सुडो कोड। अच्छा तो पहले रिपीट वाला तो फ्लो चार्ट बना लो। सही है।
सर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। मैंने बना लिया है, जैसे जी हमने हाँ पॉजिटिव को जीरो में सेव करवाया सर, उसका क्या शेप होगा? बेटा, पॉजिटिव को जीरो देखो, उसको क्या कर रहे हो आप, जीरो को इनिशियलाइज कर रहे हो पॉस के अंदर ना, तो इनिशियलाइजेशन वाला डब्बा होगा, इनिशियलाइजेशन और प्रोसेस का डब्बा सेम होता है, दैट इज रेक्टेंगल। ठीक है सर, बना लिया हूँ। चैप्टर बना रहा हूँ। व्हाट अबाउट वीजा? सर बना ली तो बनाया नहीं। ओके मैं बना रहा हूँ। अनीश बेटा इसको चेक कर लेना, आपने सबसे पहले स्टार्ट लेना है, आफ्टर स्टार्टिंग रिपीट का वर्ड देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रिपीट को इग्नोर कर दे, फॉर एंड इफ एंड वाइल को हम नहीं बनाते, इग्नोर ही कर देते हैं बिल्कुल। सो हम डायरेक्टली कहाँ जंप कर जाएंगे, इनपुट नंबर पे, हमने कहा इनपुट नंबर। अब इस नंबर को चेक करना है, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ जाए, वरना वो डायरेक्टली कहाँ चले जाता है, यहाँ। मतलब यस हो तो ये काम करे, नो हो तो डायरेक्ट यहाँ हो, लेकिन यस होने के बाद भी देखो पॉज करने के बाद वो आता एंड इफ पर ही है, तो नो और यस का एंड एक ही है, बस यस में एक बीच में स्टेटमेंट आ रही हो। तो आपने सीधा सीधा लिखा एस नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, इफ इट इज अ यस देन पॉज इज इक्वल्स टू पॉज प्लस वन, नो है तो कुछ नहीं यहाँ पे आ जाए, यस था तो भी यहीं पे आ जाए। अब क्या करें, अंटिल नम वापस आपने लगाया इज नम इक्वल्स टू जीरो, अगर नम जीरो है तो प्रोग्राम बंद कर दे,
लेकिन अगर नहीं था, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम वापस कहाँ चले आते हैं, रिपीट पे, विच मीन्स आई नीड टू इनपुट माई नंबर अगेन। और अगर यस है तो आउटपुट। पॉज कर और प्रोग्राम को एंड कर। क्या ये क्लियर? जी सर। जी सर। फिर हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, इससे ज्यादा चीजें आती नहीं है। तो आपने कहा पॉज को जीरो कर दो और आपने इनपुट नंबर अंदर ले लिए, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो डू व्हाट, चेक करो क्या नंबर ग्रेटर देन जीरो है। अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉज इज इक्वल टू पॉज प्लस वन कर दो, एंड इफ कर दो, वापस से इनपुट लो क्योंकि लूप को भी तो चलाना है बार बार, एंड वाइल किया और आउटपुट पॉज कर। सर शाम ये बेटा ये समझ पड़ती है क्लियर ना कि हम इफ से करें या वाइल से करें? बेटा? इफ आपके पास एक दफा चलता है, वाइल लूप है, इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट है, बस ये फर्क है। वाइल ओ सॉरी सर, रिपीट अंटिल करेगा अंटिल। बेटा, रिपीट से करो या वाइल से करो, मर्जी आपकी है, अंडर अंडर एग्जामिनर रिस्ट्रिक्ट ना करे। सही है, आपने रिपीट से, मैंने भी करके देखा है, इसी वजह से वाइल से करके देखा। इसका फ्लो चार्ट बनाओ, देखो वो वाला फ्लो चार्ट भी चल जाता है इसके लिए, लेकिन इसके लिए अगर हम देखें हमारी कंडीशन, देखो शुरू में आ रही, आपने स्टार्ट लिया, आफ्टर स्टार्ट आपने इनपुट लिया, इसको नीचे ले जाते हैं ताकि खुले में बना। तो आफ्टर इनपुट नंबर, व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपने चेक किया इज नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, नो मतलब अगर नंबर जीरो है तो क्या करे, आउटपुट पॉज कर दे, एंड कर दे। देखो क्या था, अगर नंबर मेरा जीरो है, मैंने जीरो डाला, जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम कहाँ आते थे, एंड व्हाइल और आउटपुट पॉज, तो अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो ये करे, अगर नहीं है तो फिर चेक करें इज नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, चेक कर लो कि नंबर पॉजिटिव तो नहीं है। अगर नंबर मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस वन कर दे, नहीं है तो वापस इनपुट ले ले। सर में से अगर यस यस पे ये डायमंड शेप एक और बनाने की जरूरत थी। कहाँ पे, यहाँ पे बेटा, जी जी सर, ये अगर नहीं बना व्हाइल सर ये। नंबर देखो, व्हाइल नंबर इज नॉट ग्रेटर नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने नंबर 5 डाला, 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो, आप कहाँ आ गए, इफ इफ अगेन क्या है, डिसीशन ही तो है, जी सर, सही है, इसलिए। तो बेटा आप ये फ्लो चार्ट बनाओ, इसका भी काम यही है, ये फ्लो चार्ट बनाओ, इसका काम भी यही, बस डिजाइन में फर्क है।
कोई मसला है? नो लो सर। असाम अनीश क्लियर आम है सर। आम 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 आपने कोई पास पेपर देख लेता है। ओके बेटा, ये आपका फ्लो चार्ट है। अपने पास कॉपीज पर काइंडली ये टेबल के कॉलम्स और वैल्यूज लिख लो क्विकली, सिर्फ इस टेबल की। कोई भी कॉपी उठाओ जल्दी से, और सिर्फ ये टेबल अपने पास कॉलम्स बना लो, एफ सी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव और टी। डन। जी सर। क्या अनिश बना लिया? शाम बना लिए? बना लिया सर। ये आपके पास आपका फ्लो चार्ट है। काइंडली वैल्यूज आपके पास गिवन है, ट्रेस करो एंड लेट मी नो व्हाट आर द फाइनल आउटपुट्स। बेटा ये प्रोग्राम आपके पास एक फ्लो चार्ट गिवन है, जिसमें आपने क्या कहते हैं वैल्यूज या ट्रेस टेबल सॉल्व करना है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इसी तरह के आते हैं। एक एरे है एक्स के नाम से, जिसमें 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स यूज इन द फ्लो चार्ट कंटेन्स डेटा। x1 पे 10 है, 2 पे 1 है, 3 पे 5 है, 4 पे 7 है, 5 पे 11 है, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दे दिए। स्टेप बाय स्टेप देखो फ्लो चार्ट को सॉल्व कैसे करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ खड़े हुए थे, सही है? यहाँ के बाद हम कहाँ गए? F को 0 कर दो, C को 1 कर दो। हमने F को 0 कर दिया और C को 1 कर दिया। After that, it says, is X C? बेटा, what is the value of C right now? C की वैल्यू अभी आप ऊपर 1 करते हुए आ रहे हो, मतलब X1 is less than X C plus 1, मतलब 1 plus 1 2। X1 पे जो पड़ा हुआ है क्या वो लेस देन X2 है? सर, आपकी जी स्क्रीन शो बेटा, नहीं हो रही। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा स्क्रीन शेयर। जी सर। जी सर, अब शो है। जी सर। बेटा F0 C1 क्या? अब यहाँ पर हम आए, इज एक्स सी की वैल्यू क्या है? 1 है। तो X1 इज लेस देन X2। बेटा X1 और X2 पे क्या पड़ा हुआ है?
X1 पे 10 पड़ा हुआ है, X2 पे 1 पड़ा हुआ है। क्या 10 लेस देन 1 है? नहीं नो नहीं है। तो हम नो वाले कौन सा रास्ता आ रहा है आपको नजर? यहाँ पे टी वाला ये राइट साइड पे जाना है। एक्स सी मतलब X1 की वैल्यू को कहाँ पे डाल दो? टी में। तो X1 पे क्या पड़ा हुआ था? 10, तो यहाँ डाल दिया। फिर सर, मुझे एक बार समझा दें, जी बेटा बोलो। जैसे सर एक्स के साथ कोई अल्फाबेट लगा होता है तो सर हमें कैसे पता कि हम X1 ले रहे हैं X2 ले रहे हैं? बेटा अल्फाबेट की वैल्यू चेक करो ना, यहाँ सी लिखा हुआ है। सी की वैल्यू क्या है? आपने यहां से देखनी है वैल्यू। सी की वैल्यू अच्छा क्या है ठीक, अल्फाबेट की? ठीक है, वो अल्फाबेट की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 की है, या ऊपर वाले बॉक्स में करते हुए। फिर ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप में ये कहता है एक्स सी प्लस 1, मतलब सी की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1, X2 की वैल्यू को X1 में डाल दो। तो X2 पे हमारे पास 1 पड़ा हुआ था, उसको यहां ले आए। फिर जो कुछ भी टी में मौजूद है उसको एक्स सी प्लस 1, सी की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2, X2 पे, मतलब टी की वैल्यू को आप उठा के यहाँ पे ले आए। बेसिकली करा क्या आपने? 10 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, यही हुआ है। आगे ये कह रहा है एफ की वैल्यू को 1 कर दो। हमने एफ को क्या कर दिया? 1 कर दिया। फिर हम घूमते फिरते जैसे यहाँ पे आए, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, 1 थी, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे आए, बेटा क्या सी 5 हुआ है? नहीं। सी की अभी करंट वैल्यू क्या है? सी की करंट वैल्यू आपके पास 2 है। नो तो आप उठ के वापस यहाँ आ गए। फिर आप कहाँ चले गए? वापस यहाँ आ गए। देखो सिर्फ लाइंस को फॉलो कर रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं कर रहा। नाउ बेटा सी की वैल्यू क्या है करंटली अनीश? सर 5, नहीं, अच्छा 1 नहीं 2 है सर, सॉरी सी की 2 वैल्यू 2 है। तो आपने इज एक्स सी मतलब X2 लेस देन सी प्लस 1, 2 प्लस 1 3। तो क्या X2 इज लेस देन एक्स सी प्लस 1 विच इज 3 है या नहीं? देखते हैं। 2 पे 10 पड़ा हुआ है और यहाँ 5 पड़ा हुआ है, क्या 10 लेस देन 5 है? नो सर, नहीं सर, नो। तो नहीं हम सीधा वापस कहाँ चले गए? यहाँ चले गए। X2 की वैल्यू को हमने टी में डाल दिया। X2 पे अब क्या पड़ा हुआ है? बेटा हमेशा लास्ट वैल्यू चेक करता है। 10 पड़ा हुआ है, सही जी सर। है, उसको हमने टी में डाल दिया। फिर X3 की वैल्यू को X2 में डाल दिया। 3 पे 5 था, इसको यहाँ ले आए। फिर टी की वैल्यू को X3 में डाल दिया। टी में 10 पड़ा था, उसको आप यहाँ ले आए। और वापस से एफ को क्या कर दिया हमने? 1 कर दिया। इसी लाइन को जो जो काम कह रहा है वो करना, खुद से कुछ मत करना। ये रास्ता कहां लेके जा रहा है? यहाँ। ये रास्ता कहां लेके जा रहा है? यहाँ। यहाँ आपने सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 कर दिया। सी की वैल्यू 2 थी, तो अब क्या हो गई? 3 हो गई। अब वापस यहाँ पे आए, क्या सी 5 है? नहीं यस और सर, नो? तो नो हम कहां चले आएंगे? नो पे फिर ऊपर चले गए। फिर ये रास्ता इज एक्स, अब सी की वैल्यू 3 हो चुकी है। इज X3 इज लेस देन X4? X3 पे क्या पड़ा हुआ है? लीजा सर 10 इज पड़ा हुआ। 10 पड़ा हुआ है। 10 पड़ा हुआ है, क्या 10 लेस देन X4 है? नो। जी सर, 10 ओ नो मतलब नो 10 नो इज नॉट सर, लेस देन 7, X4 पे 7 पड़ा हुआ है ना? नहीं है। वापस कहाँ चले जाएंगे हम? नो पे। नो पे
और एक्स 3 की वैल्यू को हमने 3 में डाल देंगे, x3/10 पड़ा हुआ था वापस से यहाँ आ गया, सही। फिर x4 की वैल्यू को 3 में डाल देंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा, और t की वैल्यू को हम x4 में डाल देंगे और f की वैल्यू हम कर देंगे वापस से 1। यहाँ के बाद जैसे हम यहाँ पहुंचे, c इज इक्वल टू c+1 हो गया, c हो गया 4। क्या c5 हुआ है? नो, वापस ऊपर चले गए। फिर हमने चेक किया x4 इज लेस देन x5, 4 पे क्या पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है, लेस देन x5 विच इज 11। क्या 10 लेस देन 11 है? यस जी सर, अगर तो ये है तो हम कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ गए, सॉरी यहाँ पे आ गए, ये वाली इस पे देना यस, 10 इज लेस देन 11 तो हम नीचे आ गए। सी इज इक्वल टू c+1 कर दिया, सी की वैल्यू क्या हो गई? 5। क्या c5 हो गया? जी सर, यस, हम नीचे है। क्या f की वैल्यू 0 है? नो सर, नो, तो हम सीधा कहाँ चले गए? वापस यहाँ आए। जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमारा f 0 हो जाएगा और c क्या हो जाएगा? वन तो हमने वापस सिक्स से सिक्स f को 0 कर दिया और c1/6 क्यों 6 हो जाएगा? ये कह रहा है f को 0 करो और c को 1 करो, प्लस अच्छा वन तो नहीं ठीक कर है। रहा है। फिर आप यहाँ पे आए, इज xc पे क्या पड़ा हुआ है? वन 1 पड़ा हुआ है, c की वैल्यू x1 इज लेस देन xc+1 मतलब c2, बेटा x की वैल्यू 1 है और x2 सॉरी x1 पे क्या पड़ा हुआ है? 1, और x2 पे क्या पड़ा हुआ है? 5। क्या 1 लेस देन 5 है? यस यस, तो हम यहाँ पे आए, c की वैल्यू क्या कर दी हमने? +1 विच मीन्स 2 कर दी। फिर हमने यहाँ चेक किया, क्या c5 हो गया? नो, हम ऊपर चले गए। अब c की वैल्यू 2 हो चुकी है, इज x2 इज लेस देन x3, 2 पे 5 पड़ा हुआ है, 3 पे 7 पड़ा हुआ है, क्या 5 लेस देन 7 है? जी यस सर, yes, तो हम वापस यहाँ नीचे आए, c की वैल्यू हमने +1 कर दी विच मीन्स हमने c को कर दिया 3। क्या c5 है? नो, वापस ऊपर गए। क्या x3 इज लेस देन x4? बेटा 3 पे 7 पड़ा हुआ है, 4 पे 10 पड़ा हुआ है, क्या 7 लेस देन 10 है? जी सर, यस, तो हम यस वाले रास्ते से नीचे आए, c इज इक्वल टू c+1 कर दिया, ये हो गई वैल्यू 4। फिर हम वापस चेक किया, क्या c5 है? नो, ऊपर गए, इज x4 इज लेस देन x5? बेटा x4 पे 10 पड़ा हुआ है, 5 पे 11 पड़ा हुआ है, क्या 10 लेस देन 11 नो है? सर, नो, ओ यस ना, 10 इज लेस देन 11। जी सर, तो हम वापस कहाँ चले गए? यस वाले रास्ते से आए, सी को हमने कर दिया +1 विच मीन्स 5 कर दिया, क्या c5 हो चुका है? यस, नीचे आ गए। क्या f0 है? जी बताओ सर, f0 है? जी सर, यस, प्रोग्राम स्टॉप, खत्म, बस ये बनाना था, एक एक स्टेप फॉलो सर करना था। बस सर जी ये बेटा बता बोलो। दें, टी स्टैंड्स फॉर इसमें टेबल। कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब ये पूछ रहा है, डिस्क्राइब व्हाट द एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो चार्ट इज डूइंग। क्या किया है फ्लो चार्ट ने? बेटा इस तरह का एल्गोरिथम आपने किया है, बबल बबल सॉर्ट सॉर्ट किया है, तो हम कह सकते हैं दिस फ्लो चार्ट इज सॉर्टिंग द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। द असेंडिंग ऑर्डर में आप देखो, क्यों? 1, 5, 7, 10, 11 ऑर्डर में आ गया पूरा एरे। तो इसमें ये जो मार्क है वो किस चीज का है? एक सॉर्टिंग का है और एक असेंडिंग ऑर्डर का है, दैट्स इट। सर। इसके एक चलिए, दो क्वेश्चंस है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ, मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, ओके बेटा, लव यू। अल्लाह हाफिज़।
लाफी पिज्जा सर बेटा एनी वेज नहीं सर। ओके लाफ।